हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आखिरकार टैली प्राइम के अंदर आईजीएसटी क्यों नहीं आ रहा है? ठीक है, कई लोगों का ये सवाल है कि सर आखिरकार आईजीएसटी क्यों नहीं आ रहा है, बाकी सारी चीजें तो ठीक हैं लेकिन आईजीएसटी भी तो आना चाहिए, तो आईजीएसटी कैलकुलेट क्यों नहीं होता है? आज उसी के बारे में बताऊंगा। देखिए, आपने सब कुछ इनेबल कर लिया, जीएसटी भी सही से इनेबल कर दिया, फिर भी आईजीएसटी नहीं कैलकुलेट हो रहा है, तो आईजीएसटी ना कैलकुलेट होने के पीछे एक ही रीजन हो सकता है। अब मैं वो दिखाता हूँ आपको, जनरली यही रीजन होता है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ क्या रीजन है वो। ठीक है ना, सबसे पहले तो यहाँ पर हम आ जाते हैं वाउचर में, और यहाँ पर हम सेल्स वाउचर में आ जाते हैं। ठीक है, हमने कुछ स्टॉक आइटम पहले से बना रखे हैं, अब ये आ गया सेल्स वाउचर में। जैसे ही सेल्स वाउचर में आते हैं तो यहाँ पर रेफरेंस नंबर डालना होता है, ये रेफरेंस नंबर डाल दिया, यहाँ पे वो डेट आएगी जिस डेट पर होगी आपकी सेलिंग। ठीक है, यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर देखिए, जब भी आपकी कंपनी जहां की है उससे अलग स्टेट होगा तभी आईजीएसटी कैलकुलेट होगा। आप जैसे मान लीजिए यहां पर है, ये हिना डी करके है, तो अगर मैं यहां पर आ जाता हूं, मेरे में जीएसटी ऑलरेडी एक्टिवेटेड है और यहां पर सेल्स अकाउंट लगा दिया, और यहां पे जो भी हमारे पास स्टॉक आइटम है लाइक राइस है या शुगर है, तो मान लीजिए 2 किलो चीनी हम बेच रहे हैं और 55 के रेट से बेच रहे हैं, और यहां पर देखिए हम यहां पर आईजीएसटी लगाने की कोशिश करेंगे तो देखिए आईजीएसटी नहीं कैलकुलेट हो रहा है। लेकिन ये क्यों नहीं कैलकुलेट हो रहा है? क्योंकि हम इस पर ध्यान देंगे, ये जो हिना डी जो लेजर है हमारा उस पर ध्यान देंगे। अब देखिए यहां पर आएंगे अल्टर पे, तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहां से थोड़ा नीचे आते हैं, ये लीजिए ये आ गए, और ये देखिए यहां पर ये हिना डी करके जो लेजर है इसको जरा देखिए, यहां पर इसका स्टेट क्या है? उत्तर प्रदेश है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश है इसी की वजह से दिक्कत कर रहा है। लेकिन यही डिफरेंट स्टेट की बात होगी तो तुरंत ये कैलकुलेट हो जाएगा आईजीएसटी, नहीं तो सीजीएसटी एसजीएसटी ही लगाना पड़ेगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या करता हूं, एक गौरव नाम से लेजर बनाता हूं, गौरव, ठीक है, जी ए यू आर ए भी, ये हो गया गौरव, और ये हमारी डेटर पार्टी है, एंटर करेंगे यहाँ पे सन्ड्री डेटर ग्रुप रख लेते हैं, ग्रुप क्या रखेंगे, सन्ड्री डेटर रखेंगे। ठीक है ना, क्योंकि ये डेटर पार्टी है तो डेटर रहेगा। ठीक है, एंटर करिए, आप देखिए यहां पर स्टेट की बात आएगी, तो यहां पर कोई भी स्टेट आप डाल दीजिए सिवाय उत्तर प्रदेश के, जैसे हमने उड़ीसा डाल दिया, नागालैंड डाल दिया, मिजोरम डाल दिया, मार कुछ भी एमपी डाल दिया, एमपी डाल देते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अगर इसका लेजर आप इंसर्ट करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सेल्स में आ गए, यहाँ पे आए, रेफरेंस नंबर डाला, 1 मई को ये हो रही है सेलिंग, और हमने गौरव नाम से लेजर बनाया था तो ये गौरव डी करके था, तो ये गौरव डी लगा दिया, लेजर लगा दिया, यानी डेटा पार्टी का लेजर लगा दिया, और स्टेट देख लीजिए मध्य प्रदेश है, और अब आपको कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ पे देखिए ये 50 किलो राइस है, 30 किलो हम बेच दे रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए रेट हम डालेंगे, जैसे मान लीजिए हम बेचेंगे 50 रुपए किलो के भाव से, तो ये हो गया, और यहाँ पे जैसे ही नीचे आते हैं तो आईजीएसटी का लेजर इंसर्ट करना, तो देखिए कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, ये खुद का खुद कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप चाहेंगे कि सीजीएसटी एसजीएसटी लगा दे तो थोड़े ना लगेगा, क्योंकि स्टेट तो डिफरेंट हो गया, तो यही डिफरेंस है, और ये अंतर अगर आपने समझ लिया तो फिर सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है ना, तो आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।